आगरा की एदमापुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी का जनसंपर्क के दौरान जोरदार स्वागत हुआ, तो वहीं प्रत्याशी के साथ साथ कांग्रेसियों ने भी अपनी जीत का दावा कर दिया। आज हम यहाँ सहजा की गाड़ी में आए हैं, हमारा स्वागत हुआ है। यहाँ के बड़े बुजुर्गों ने, यहाँ की बहनों ने, भाइयों ने हमारा स्वागत किया है और बहुत मान सम्मान मिला है और सभी कह रहे हैं कि हम अपनी बेटी को वोट करेंगे जिताएंगे। जी पूरा समर्थन मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को इस बार वोट करेंगे और जिताएंगे। मैं पंडित नवीन गर्ग, जिला महासचिव आगरा। इसका उद्देश्य तो एक ही है, बीजेपी के खिलाफ हमको कैंपेन करना है और अपने प्रत्याशी को जिताना है। बहुत अच्छा मिल रहा है, चौधरी लोग हैं यहाँ, जाट लोग हैं और अच्छा वो दे रहे हैं हमारी शिवानी को और कांग्रेस के प्रति लगाव है। वो सपा से गठबंधन तो है भैया, जो गठबंधन से जो उम्मीदवार आया है वो बीजेपी का आदमी है और वो बीजेपी का आदमी है और फिर वोट लेके फिर बीजेपी में चला जाएगा तो जाट लोग क्यों अपना वोट बेकार करें, वो तो बीजेपी में ही जाएगा वोट भाई। हैं कांग्रेस के साथ मिलने हैं, वो जान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो किसानों का, किसानों की मसीहा है। मैं चौधरी सुविधा सिंह। चुनाव तो बिगड़ चुका है, इन पार्टियों ने जो लीडर बने हुए बैठे हैं इन्होंने चुनाव को बिगाड़ दिया, जनता को गुमराह कर दिया है। लेकिन जनता गुमराह होने वाली नहीं है, अच्छे ईमानदार प्रत्याशी वोट करेगी और उसी को बीजी बना के यहाँ नखलो भेजेगी। योगी सरकार का कहना है कि योगी सरकार का तो कुछ कहो मत, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। योगी सरकार तो इतनी बढ़िया सरकार है कि किसानों को भूखा मार दिया, सुनी किसी भी किसान की सुनने वाली नहीं है। अपने पूंजीपतियों की पार्टी है, करोड़पति से अरबपति बना रही है अपनियों को, बाकी किसानों के लिए मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रही है। बहुत अच्छा स्पॉन्ड है, पूरा काम शिवानी के साथ है।